नूरजहाँ की पहली शादी सन 1594 में मुगल सरकार के एक पूर्व सिख सरकारी अधिकारी से हुई। इसके बाद वो बंगाल चली गई, जो उस वक्त पूर्वी भारत का एकमात्र संपन्न राज्य था। वहीं उन्होंने अपनी इकलौती संतान को भी जन्म दिया था। बाद में नूरजहाँ के पति पर जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया गया। जहांगीर ने बंगाल के गवर्नर को नूरजहाँ के पति को आगरा में अपने शाही दरबार में पेश करने का आदेश दिया, लेकिन उसका पति जहांगीर के सैनिकों के विरोध में मारा गया। पति की मौत के बाद विधवा नूरजहाँ को जहांगीर के महल में शरण दी गई। वहां की बाकी महिलाएं नूरजहाँ की मुरीद हो गईं। साल 1611 में नूरजहाँ और जहांगीर की शादी हो गई। इस तरह नूरजहाँ जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी बन गईं।